Good morning everyone. Today we will start chapter number 6. Robinson Crusoe discovers a footprint. In this chapter we are going to talk about Robinson Crusoe who discovers a footprint. इस story में character name क्या है? Robinson Crusoe, जिन्होंने island में एक footprint को देखा था. तो ये story इससे ही related है. Now let's start. One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं अपनी बोट की ओर जा रहा था, I was surprised, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, to see the footprint of a man on the sand, जब मैंने सैंड पर रेत पर किसी मैन के फुटप्रिंट को देखा तो मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था. I stood amazed, I listened, I looked around me, I could neither hear nor see anything. मैं ये देखकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ा रह गया. I listened, मैंने सुनने की भी कोशिश की. I looked around me, मैंने अपने चारों ओर भी देखा. I could neither hear nor see anything, मगर मुझे वहाँ पर ना तो कुछ दिखाई दिया ना ही कुछ सुनाई दिया. I went up higher to look down, मैं किसी ऊंची जगह पे भी गया नीचे की ओर देखने के लिए. I went up the shore, मैं समुद्र के जो तट है उसके ऊपर की ओर भी गया. डाउन द सोर, समुद्र के तट के नीचे की ओर भी गया. बट इट वॉज नो गुड, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं था. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट डैट वन, मैं उस फुटप्रिंट के अलावा वहाँ पे कोई दूसरा फुटप्रिंट नहीं देख सका. आई वेंट टू इट अगेन टू सी, मैं दोबारा से देखने के लिए गया. इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट, की वहाँ पे कोई और फुटप्रिंट तो नहीं था. एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, फिर उसने अपने आप से कहा कि नहीं ये तो मेरी इमेजिनेशन थी. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मगर ये मेरी कोई भूल नहीं थी. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, क्योंकि वहाँ पे वास्तव में कोई फुट था, क्योंकि फुट में टोज बने हुए थे, हील बनी हुई थी, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, और फुट का हर पार्ट भी बना हुआ था. तो वो कहते कि नहीं ये मेरी कोई भूल नहीं थी. I could not imagine how it came there, मैं ये imagine भी नहीं कर सकता कि जो ये footprint है यहाँ पर आए कैसे. I stayed a long time thinking, मैं बहुत देर वहाँ पर खड़ा होकर सोचता रहा. but became more and more confused, और मैं और भी ज़्यादा confused होता चला गया. at last I returned home very frightened, और अंत में मैं बिल्कुल डरा हुआ अपने घर की ओर गया. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स, जैसे ही वो टू और थ्री स्टेप्स चलता तो वो पीछे मुड़कर देखने लग जाता. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और उसे हर जो बुश थी वहाँ झाड़ियाँ थी ट्री थे वो उसे मैन ही दिखाई दे रहे थे. व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी केव में आया मतलब गुफा में आया. विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसको मैं अपना महल कहता था. आई रेन इनसाइड इट, मैं इतनी तेज़ी से अंदर की ओर गया. एस इफ आई वॉज बींग चेज, जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा था. आई डो नॉट रिमेंबर, मुझे इतना भी याद नहीं था वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, रॉक जिससे वो अपना डोर कहता था, कि मैं डोर में अंदर की ओर लैडर से गया हूँ या होल से गया हूँ. आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं इतनी तेज अंदर की ओर गया जितना कि कोई एनिमल भी नहीं भाग सकता था. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टमोरो.